इसलिए आपने क्या लिखा 3 × 2। अब ध्यान दीजिए, आपने दो नंबर यहाँ पर लिख दिए, एक नंबर यहाँ असाइन कर दिया, एक नंबर यहाँ असाइन कर दिया, तीन में से आप दो नंबर यूज कर चुके, तो लास्ट के प्लेस के लिए आपके पास केवल एक ही चॉइस बचेगी, 1 6 6। ये आपके, अगर आप कहें इस सेट से x=1 2 3 से 3 डिजिट्स के कितने नंबर्स बन सकते हैं यदि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो ये आपके आ जाएंगे 6 तरीके। अब इसी को देखिए कितने और तरीके से मैं समझ सकता हूँ एक सिंपल से प्रॉब्लम। यहाँ पर ये आपसे लिखा कि 1 2 3 दिए थे और तीन ही डिजिट का मुझे नंबर लेना था, तो एक प्रकार से प्रॉब्लम इस तरीके से समझ सकते हैं कि तीन मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं, उन तीन ऑब्जेक्ट को मैं कितनी तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, जो मैंने पहले आपको बताया था, जिसका लगता है कि एन ऑब्जेक्ट लिए और एन में सभी एन को मुझे अगर एक रो में अरेंज करना है तो उसके मेरे पास तरीके आएंगे फैक्टोरियल एन। तीन ही मेरे पास ऑब्जेक्ट थे और तीन में से मुझे तीन ही का एक नंबर बनाना है, यानी कि सभी के सभी मैं ले रहा हूँ, तो इसका मतलब डायरेक्ट भी आप देख लीजिए ये किसके बराबर है, फैक्टोरियल 3 3 × 2, ये वही चीज़ है, देखिए 2 1 6। यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं कैसे, आपने जो परमुटेशन का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि उसके थ्रू आप कैसे इसको निकालना है, जब n में से n, ये एन पी आर का ही फॉर्मूला है, जब r इक्वल टू n, यानी कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को आप ले रहे हैं, इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन तीन में से मुझे केवल मान लीजिए दो ही डिजिट का नंबर बनाने होते हैं, दो ही डिजिट के नंबर अगर बनाने हैं क्या होगा, फिर से देखिए वही रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। पहले प्लेस पे मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, दूसरे प्लेस पे फिर से कितनी चॉइसेस हैं मेरे पास, 2 चॉइसेस हैं, कितना आ गया 6। 2 डिजिट का फॉर्मूले पे आइए कि जब आपके पास n था, n इक्वल टू 3, r इक्वल टू 2, कितना हो जाएगा एन पी आर फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 3, क्योंकि 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1, फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 3 × 2 6, 6। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये आपका जनरल रेजिंग, आप सिंपल से प्रोडक्ट रूल लगा रहे तो वहां से भी ये कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाएं उस फॉर्मूले के थ्रू भी आप ये कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसी प्रॉब्लम आएंगी जहां पर आपको एडिशनल रीजनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए इसमें मैं सेट को अगर ऐसा कर दूं, जीरो वन टू थ्री, इस लेक्चर में मैं आपको काउंटिंग टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। काउंटिंग ये सबसे पहले जो एलिमेंट्री हमारे पास प्रिंसिपल है वो दो प्रिंसिपल है, एक है सम रूल दूसरा है प्रोडक्ट रूल। दो रूल्स क्या है इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल आपको देता हूँ, सम रूल क्या है कैसे इसको हम यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल क्या है इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं। मान लीजिए एक हमारे पास ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे 2 फ्लोर है, एक ही बिल्डिंग है जिसमें 2 फ्लोर है, हर एक फ्लोर पे एक एक रूम है, यहाँ पर 3 रूम है। मुझे अगर किराए के लिए कमरा लेना हो, रेंट पे कमरा लेना हो, तो मैं एक कमरा कितने तरीके से चूज कर सकता हूँ, एक कमरा मुझे अगर लेना हो। ध्यान दीजिए 2 मेरे पास अलग अलग है, यहाँ पर भी आपके पास 2 रूम अवेलेबल हैं,
यहाँ पर आपके पास तीन रूम अवेलेबल है, तो दो चॉइसेस मेरे पास यहाँ पर हैं, तीन चॉइसेस यहाँ पर हैं, टोटल अगर मुझे एक कमरा अगर लेना हो तो मेरे पास टोटल चॉइसेस जो बन रही हैं 2+3=5, तो अलग अलग थी। पहले बिल्डिंग में लेना चाहूँ तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं, दूसरे बिल्डिंग में लेना चाहूँ मेरे पास थ्री चॉइसेस हैं, तो टोटल जब मुझे निकाला था कि दोनों इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से अलग, टोटल मेरे पास बनी 5 choices, तो मैंने ऐड कर दिया। यानी पहला जो इवेंट थी आप देख, यहाँ पर n choices थी, दूसरे में आपको देख रहे हैं m थी, और तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जब भी मुझे अगर देखना हो ऐसा कि एक इनमें से कोई चूज करना हो तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ये कहला रहा है आपका सम रूल। जहाँ कहीं सिचुएशन हो कि पहले आपने देखा तो पहले आपकी इवेंट है, इसमें एन तरीके से हो रही है, इसको आपको एक आपको चूज करना हो रहा है एन तरीके से पॉसिबल है, दूसरी एम तरीके से पॉसिबल है, और केवल अगर एक आपको चूज करना हो एन प्लस एम। अब मान लीजिए पहले बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं, इस बिल्डिंग पे सपोज 4 floors है, हर एक फ्लोर में दो दो रूम है, हर एक फ्लोर में दो दो रूम है, अगर मैं इस बिल्डिंग में मुझे अगर एक रूम चाहिए तो मैं कितने तरीके से इस बिल्डिंग में एक रूम ले सकता हूं, क्या करूंगा। पहला तरीका तो मेरा यह है कि मैं सबको काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, इजी था काउंट करना। मान लीजिए यही अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फ्लोर अगर ज्यादा होते तब क्या करते। एक चीज यहां पर आप देखिए कि हर एक फ्लोर में दो दो रूम है, यहाँ भी 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 दो रूम है, तो मेरे पास टोटल जो फ्लोर आ रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 जो फ्लोर आ रहे हैं, तो हर एक फ्लोर में दो रूम है, तो टोटल आपके रूम्स बने 8 4 into 2। ऐसे आपके पास अगर 10 floors होते तो आप 10 into 2 कर देते तो आपके 20 आ जाते। ये आपने देखा प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट कब हमने किया, प्रोडक्ट हम तभी कर रहे हैं जब हर एक जो इवेंट आपने देखा कितने फ्लोर हैं, फ्लोर होना एक अलग इवेंट है, तो हर एक के साथ आपने देखा कि जो अगली जो जैसे आप नंबर ऑफ रूम्स हैं जो अगली इवेंट जिसे आप कहेंगे बराबर हो रही हैं, पहले इसके साथ दो थे, इसके साथ भी दो हैं, इसके साथ भी दो हैं, इसके साथ भी दो हैं, तो जब ऐसा हो ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो रहा आपने कहा पहले वाले के साथ भी बराबर है, अगले के साथ भी दो हैं, इसके साथ भी दो हैं, इसके साथ भी दो हैं, जब आपने टोटल काउंट किया एक तो सब ऐड करते जा रहे हैं सबको अलग अलग, जब आप काउंट कर रहे हैं अदरवाइज आप क्या कर रहे हैं कि आपने जितनी ये पहली वाली की थी कितनी थी, ये वाली आपने कहा फ्लोर जैसे हमने कहा कितने थे 1 2 3 4 4 थे, हर एक में दो दो रूम्स हैं, टोटल रूम्स आप कितने कर लिए 8, ये कहला रहा है प्रोडक्ट रूल। यानी जो पहली वाली जो आपकी इवेंट है हर एक इस इवेंट के साथ अगली वाली बराबर नंबर ऑफ हो सकती है, बराबर नंबर ऑफ तरीके से हो सकती है, तो टोटल आप काउंट करने के लिए उनको मल्टीप्लाई कर इसी को अगर ध्यान दीजिए, अगर ऐसा होता कि मान लीजिए कि पहले जो दो फ्लोर हैं उस पर तो 4 4 rooms होते, लेकिन बाकी के जो दो फ्लोर हैं इन पे केवल आपके दो दो ही रूम है, अगर मुझे आप कहने के मुझे एक रूम चाहिए तो कितने तरीके से मैं एक रूम ले सकता हूँ, तो काउंट करना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पहले के दो फ्लोर हैं उनमें तो आपके बराबर नंबर ऑफ रूम्स हैं, लेकिन जो बाकी के जो दो फ्लोर हैं उन पे आपके बराबर नंबर ऑफ रूम्स नहीं है, क्या करेंगे जो केवल दो हैं पहले के 2 into 4 यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा, क्यों, क्योंकि पहले जो दो फ्लोर हैं इन दोनों में हर एक फ्लोर पे बराबर नंबर ऑफ रूम्स हैं, यानी कि 4 4 rooms हैं, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, तो ये अलग हो गया क्योंकि यहाँ पर दोनों जो रूम्स हैं उनमें दो दो ही हैं, तो फिर मैंने सम रूल लगाया 2 into 2, ये आपके 8 + 4 = 12, 12 तरीके आपके पास है, 12 तरीके से आप एक रूम को ले सकते हैं, रेंट पर ले सकते हैं। तो ये आपने देखा कैसे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं और कैसे आप सम रूल अप्लाई कर रहे हैं, और ये बड़ी ही एलिमेंट्री है, काफ़ी आगे आगे काउंटिंग में आप देखेंगे कि इनका हम यूज़ करते हैं। बेसिक इसका मैंने आपको बताया किस तरीके से आप यूटिलाइज कर, जब पहली वाली जो आपकी इवेंट आ रही है उसके साथ
जितने नंबर तरीके से हो सकता है, जैसे आपने कहा पहले ये दो तरीके से हो सकता है, और हर एक के साथ बराबर अगली इवेंट के लिए बराबर तरीके हैं, यानी कि इसके कितने चार तरीके थे, तो टोटल जब आप देखेंगे तो 2×4, और जहाँ अलग अलग हो तो वो आपने अलग अलग उनको ऐड करते चले जाएंगे, वो आपका सम रूल हो जाएगा। पहले मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है ये बताऊंगा, तब फिर हम प्रॉब्लम्स पे आएंगे। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का सीधा सा मतलब है अरेंजमेंट, कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को अरेंज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन हैं, ए बी सी, इन तीनों को अगर मैं कहूँ कि कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, तो देखिएगा कितने तरीके से मैं कर सकता हूँ। मैं स्टार्ट अगर ए से करूँ, ए सबसे आगे आ गया, फिर बी, फिर सी, या ए हो सकता है सी भी हो जाए, तीसरा बी से मैं स्टार्ट करूँ ए सी, ऐसे ही चौथा आपका आएगा बी सी ए, पांचवा आपका सी ए बी, छठा सी बी ए। ये देखिए आपने अलग अलग तरीके से सारे आप ए बी सी को कहीं पर ए आ गए कहीं बी पीछे, ये आपका अरेंज करने के तरीके हैं। अरेंजमेंट का मतलब सीधा सा है, परम्यूटेशन की जब भी आप बात कर रहे हैं, परम्यूटेशन का मतलब ये है कि आप ये आपके ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं, कौन आगे है कौन पीछे, ये इम्पोर्टेंट है। अरेंजमेंट का मतलब यही है कि आपको अरेंज करने का मतलब इसमें आपको ध्यान देना है कि स्टार्टिंग पोजीशन में कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, तो ये सारे अलग अलग अरेंजमेंट हैं अगर आपके पास तीन है। अब इन्हीं में से यदि आप तीन में से कहते कि मुझे केवल दो को ही अरेंजमेंट लेना है, तीन आपके पास दिए हुए ऑब्जेक्ट थे, इन तीन में से आपको केवल दो का ही अगर अरेंजमेंट लेना है, तो दो इसमें से तीन में से कोई भी हो सकते हैं, दो इसमें से अगर मैं लूँ ए बी भी हो सकते हैं, तो इनके भी अरेंजमेंट देखो तो ए भी हो सकता है और बी ए भी हो सकता है, तो ये दो अरेंजमेंट हो सकते हैं। ऐसी बी सी भी हो सकता है या सी भी हो सकता है या ए सी हो, या इसको आप ये भी ले सकते हैं, अगर दो आपने बी सी लिए हैं तो ये अरेंजमेंट हो गया, ए और सी को लिया है तो सी और ये दो अरेंजमेंट इस तरीके से। ये आपने कब है, जब आपने तीन में से केवल दो को ही लिया है, तो ऐसी तीन में से आप कम मिले, तो ये जो मैं जनरल मैंने आपको समझाया ये परम्यूटेशन कहलाता है। तो परम्यूटेशन का मतलब ये है कि अरेंजमेंट आप कैसे कर रहे हैं। परम्यूटेशन का सीधा से जो फॉर्मूला है, अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उनमें से आप केवल R का परम्यूटेशन देखेंगे, R ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकें, इसका जो आप फॉर्मूला देखेंगे एन पी फॉर परम्यूटेशन एन पी आर, और इसको निकालने के लिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R। फैक्टोरियल n आपको मालूम होगा, फैक्टोरियल n निकालने के लिए फैक्टोरियल n के कैसे करेंगे, n n माइनस वन एन माइनस टू अप टू थ्री टू लास्ट में जब तक का वन ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा फैक्टोरियल फोर, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, दिस इज 24। ये फैक्टोरियल आप ऐसे निकाल रहे हैं, तो ये जब भी आप देख रहे हैं कि एन में से एन आपको ऑब्जेक्ट दिए हैं और आर का आपको परम्यूटेशन देखना है, इस फॉर्मूले से आप एन पी आर निकालेंगे। इसी पे देखिए इंटरेस्टिंग कैसे आप देखेंगे, यदि R n के बराबर हो जाए, यदि R n के बराबर हो जाए तो NPN, NPN, NPN क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n बाय n माइनस n फैक्टोरियल, n की जीरो फैक्टोरियल हो जाएगा, जीरो फैक्टोरियल वन होता है, ये n फैक्टोरियल। सीधा सब आपको याद करना है कि यदि इसको हम ना देखें पूरा, जब भी हमारे पास एक केस बने कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमें दिए हुए हैं
उनको हमें एक रो में अरेंज करना हो उन सभी को, यानी कि एन में से हम एन ले रहे हैं, इसके लिए हमारे पास जो तरीका बनेगा फैक्टोरियल एन। इसको आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा, जो प्रॉब्लम बताऊंगा कैसे हम इसको आप निकाल भी सकते हैं, कैसे आप रीजनिंग के थ्रू प्रॉब्लम्स काउंटिंग की सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान देना था, जो परमुटेशन का बताया कि एन पी आर ये फॉर्मूला है, एक आपको याद रखना है फैक्टोरियल एन बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। दूसरा जब आप ये ले रहे हैं कि एन में सभी एन को ले रहे हैं तो आप सीधे कहेंगे फैक्टोरियल एन। अब इसी के देखिए कैसे प्रॉब्लम कुछ करें इसकी, कई प्रॉब्लम है जहां पर आप सिंपल रीजनिंग लगाएं तो भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ऐसी प्रॉब्लम आपके पास लेके चल रहा हूं, देखिए सारे एक के बाद एक मैं आपको बताता चलूंगा, इससे आपको क्लियर एक आइडिया मिलेगा कैसे आप परमुटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। एक्स इक्वल टू 1, 2, 3 एक सेट आपको दिया हुआ है 1, 2, 3। प्रॉब्लम यह है कि मुझे एक 3-डिजिट नंबर बनाना है जिसमें कि जो नंबर होंगे वो होंगे सेट X से। तो ऐसे कितने 3-डिजिट नंबर्स बन सकते हैं ये मुझे चेक करना है। सिंपल सी प्रॉब्लम है, सेट दिया हुआ है X, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, तीन एलिमेंट्स हैं। तो ये देखना है कि मुझे 3-डिजिट का एक नंबर बनाना है, 3-डिजिट का नंबर कितने में ऐसे 3-डिजिट के नंबर बना सकता हूँ जबकि मैं इस सेट के नंबर को यूज करूँ। ध्यान दीजिएगा, बस सिंपल सा रीजनिंग में इसमें अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ और मैं प्रोडक्ट रूल का यूज कर रहा हूँ। तो पहला प्लेस है, आप ध्यान दें पहला प्लेस, इसमें भी आपके दो तरीके से प्रॉब्लम डिफाइन कर सकते हैं। जब आप कहें कि नंबर को क्या आप रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पहला केस हम ले रहे हैं कि जब आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। Repetition is not allowed. तो आपको repetition allow नहीं है। Repetition जब allow नहीं, तो एक number का जो आपने एक बार use कर लिया, उसको दोबारा आप use नहीं कर सकते। पहली place में अगर आप देखेंगे, तो आपके पास तीन choices हैं। पहली place पे आप 1 को भी रख सकते हैं, 2 को भी रख सकते हैं और 2 को भी रख सकते हैं और 3 को भी रख सकते हैं। यानी पहली प्लेस पे आपके पास तीन choices हैं नंबर की, तो पहली प्लेस पे आपने आपके 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसका मतलब एक नंबर आपने ऑलरेडी यहाँ पर रख दिया है, वो चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो। जब आप सेकंड प्लेस पर आएंगे तो सेकंड प्लेस पर केवल आपके पास दो ही चॉइसेस बचेंगी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 1 ले लिया होता पहले प्लेस पे, अगले प्लेस पर कितनी चॉइसेस बचती? दो चॉइसेस बचती, या तो मैं 2 रखता या फिर मैं 3 रखता। जितने भी यहाँ पर 3 केसेस हैं हमारे पास, चाहे वो 1 हो या 2 हो या 3, ध्यान दीजिए दोनों के लिए दो दो चॉइसेस बच रही है। कैसे? अगर आप 1 रखते तो आप यहाँ 2 या 3 रख सकते थे, 2 होता तो 1 या 3 आप रख सकते थे, 3 होता तो 1 या 2। यानी कि हर एक जितनी आपकी जो चॉइस है यहाँ पर इन 3 चॉइसेस में से हर एक चॉइस के लिए इस नेक्स्ट प्लेस में बराबर चॉइसेस है, बराबर कितनी? दो दो चॉइसेस है। तो हम क्या करेंगे? 3 इनटू प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट का मतलब बराबर, यानी कि यहाँ पर जितने तरीके थे अगले प्लेस पे जितने तरीके, हर एक चॉइस के लिए बराबर तरीके हैं। ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर, देखिए अब 0 को भी मैंने ऐड कर दिया। फिर से मुझे प्रॉब्लम वही है कि 3-डिजिट का नंबर बनाना, 1, 2, 3-डिजिट का नंबर बनाना है। अब जरा ध्यान दें कि पहले प्लेस पे मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं। अगर 3-डिजिट का मुझे नंबर बनाना है तो पहले चॉइस में इन जनरल अगर देखो तो मुझे लगेगा कि 4 चॉइसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 चॉइसेस का मतलब मैं पहले 0 भी रख सकता हूँ, 1, 2, 3, लेकिन पहले प्लेस पर मैं 0 को नहीं रख सकता हूँ। इसलिए नहीं रख सकता हूँ कि अगर मैंने रख दिया, मान लीजिए ऐसा नंबर बना कि 0, 3, 2, तो ये एक्चुअली 32 हो जाएगा, तो केवल एक 2-डिजिट का नंबर ही बनेगा। नंबर की बात कर रहे हैं क्योंकि नंबर का मतलब एक 2-डिजिट नंबर बन गया। हाँ, से अगर कोड कहते, अगर कोई यहाँ पर हमने कोड होता तब तो जरूर कोड बन जाता,
एक नंबर की बात कर रहे हैं क्योंकि, लेकिन एक टू डिजिट का नंबर बनेगा, इसलिए पहले प्लेस पर, क्योंकि आप नंबर की बात कर रहे हैं, थ्री डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, पहले प्लेस पर आप जीरो को नहीं रख सकते। तो पहले प्लेस पर आपके पास केवल जो चॉइसेस हैं वो तीन है। हर एक इस चॉइस के लिए जितने भी आपने यहाँ पर तीन चॉइसेस लिखी हैं, यानी कि वन टू या थ्री, तो आप सेकंड प्लेस पर देंगे क्योंकि एक नंबर आपने असाइन कर दिया। अब आपको इस प्लेस पर कितने नंबर बचे, क्योंकि इनमें से आपने एक नंबर दे दिया और फिर आपने इन चार में से एक नंबर दे दिया, इस सेकंड प्लेस पे आप कोई भी नंबर जो बचा हुआ है उसको असाइन कर सकते हैं। यानी फिर से आपके पास कितनी चॉइसेस बच गई, यहाँ पर तीन चॉइसेस बच गई, क्योंकि एक नंबर ऑलरेडी आपने असाइन कर दिया हुआ है यहाँ पे। अब आप जीरो भी रख सकते हैं यहाँ पर, इन वन टू थ्री में से एक नंबर रख दिया, जो भी रखा उसको छोड़ करके जब आप जीरो को इंक्लूड करेंगे तो फिर से आपके पास तीन चॉइसेस बच जाएंगे। अब दो नंबर आपने यहाँ पर लिख लिए हैं, यहाँ पर आपके पास कितनी चॉइस बच गई, इनमें से दो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, दो आपके पास बच गए, 3 × 3 × 2 = 18 तो ये आपके पास बचेगी। आप ध्यान दें, अगर इसी को क्या मैं सीधे परमुटेशन के फॉर्मूले से करता तो आंसर ये नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि उसमें वो केस भी इंक्लूड हो जाएंगे कि जिस पे जीरो स्टार्टिंग पे आ रहा हो, ये थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला आ रहा हूँ फिर उसमें मुझे और आगे काम करके उसको जितने वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट उनको माइनस करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि मैं सीधे इस तरीके से इसको करूँ। कैसे, वहाँ पर मैं डायरेक्ट क्यों फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा हूँ, इसलिए नहीं लगा पा रहा हूँ क्योंकि वो नंबर भी इस पर इंक्लूड हो जाएंगे जो कि जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते। इसी पे एक प्रॉब्लम देखें, अगर मैं ये कहूं ऐसे कितने थ्री डिजिट नंबर्स बन सकते हैं जिनका लास्ट का डिजिट जीरो, जिनका लास्ट का डिजिट जीरो, लास्ट का डिजिट जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, मैंने लास्ट के डिजिट को फिक्स कर दिया है जीरो, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपके पास चॉइसेस केवल इस और इसकी बची है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये हमारा कंडीशन बनी हुई है कि हमने कहा कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पर आपने इसको जीरो कर दिया, अब देखिए कितने तरीके से आप इन दो प्लेसेस को फिल कर सकते हैं। इन चार नंबर में से एक नंबर ऑलरेडी आपने यूज कर लिया है, तो एक नंबर ऑलरेडी यूज कर दिया आपने यहाँ पर, तो कितना बचा, यहाँ पर आपके पास ध्यान देंगे तो तीन चॉइसेस यहाँ पर बच रही, यानी कि ये तो आपकी फिक्स थी, इसकी यहाँ पर आपकी वन केवल एक ही चॉइस है वन, यहाँ पर आपके पास कितनी चॉइसेस बची, थ्री, बाकी इनमें से आपके पास थ्री चॉइसेस, इस चॉइस को आप एक चॉइस यहाँ पर आप लिख चुके हैं, यहाँ पर आपके कितने बचेंगी, दो चॉइसेस बचेंगी, ये आपके सिक्स, थ्री डिजिट नंबर्स जिनका कि लास्ट वाला जो है वंस वाला जो प्लेस वाला डिजिट है एक ही जीरो, कितने तरीके हो जाएंगे, सिक्स तरीके। इस तरीके से रीजनिंग भी अप्लाई करनी है आपको, कैसे आप इन ऐसी काउंटिंग की प्रॉब्लम को ऑर्डिनरी सिंपल जो आपका मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट रूल के थ्रू आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल या सम रूल के थ्रू आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इन्हीं केसेस में यदि रिपीटेशन अलाउड हो जाए, अब मैं कहूँ कि अगर रिपीटेशन अलाउड है, ये भी एक परमुटेशन का पर्टिकुलर केस है कि जब रिपीटेशन अलाउ हो जाता है, एन ऑब्जेक्ट है और उसको आप रिपीटेशन आप करें, हर एक जितने भी दिए हैं हर एक को आप रिपीट कर सकते हैं, थ्री फिर से वही आए कि थ्री डिजिट का मुझे अगर यहाँ पर नंबर बनाना था, अभी मैं जीरो को हटा रहा हूँ यहाँ से, सिंपल से हम स्टार्टिंग से फिर से प्रॉब्लम करें, वन टू थ्री, थ्री डिजिट का अगर मुझे नंबर बनाना है यहाँ पर तो क्या होगा, पहली प्लेस पर मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, पहले में थ्री चॉइसेस हैं, वन टू या थ्री में से कोई भी लिख सकता हूँ। ऐसे आप देखिए, अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, सेकंड प्लेस में आप फिर से आपके पास थ्री चॉइसेस हैं, फिर से आपके पास थ्री चॉइसेस हैं, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री 27, ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्विज बन जाएगी।
रिपीटेशन जब अलाउड होगा, रिपीटेशन जब आप अलाउड कर रहे हैं तो जितने भी जैसे एन यहाँ पर दे, मान लीजिए अगर इसी में थोड़ी देर के लिए दूसरा मैं सेट ले लूँ एक्स में 1 2 3 4, तो अब अगर मुझे थ्री डिजिट का नंबर बनाना हो, पहले वाज की कितनी चॉइसेस हैं आपके पास, 4 4, यहाँ भी 4 चॉइसेस हैं, कोई भी आप 1 2 3 4 रख सकते हैं, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ये आपको 64। यानी कि इन जनरल यदि आपके पास n ऐसे एलिमेंट दिए हैं और r का परमुटेशन देखना है आपको और रिपीटेशन अलाउड है, तो सीधा सा फॉर्मूला आपका n रेज टू पावर r। ये कौन सा केस है जब रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड में ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए पहले केस में कितना n कितना था 3 और 3 को आप ले रहे हो 3 रेज टू पावर 3, यहाँ पर आपने देखा n कितना है 1 2 3 4, तो आएगा आपका कितना आएगा 4 रेज टू पावर 3, यानी कि 4 रेज टू पावर 3। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जितनी भी जो काउंटिंग टेक्निक्स हैं, जो भी फॉर्मूले के अलावा जनरल रीजनिंग अप्लाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। एक और एग्जांपल मैं आपको इसमें बताऊं, फाइव बॉयज एंड फाइव गर्ल्स का एक ग्रुप हमारे पास है एंड सपोज हमें क्या करना है, 10 स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को एक लाइन पे अगर हमें अरेंज करना है तो कितने तरीके से हो सकते हैं एक लाइन पर अरेंज करने के। पहली प्रॉब्लम क्या है कि ग्रुप है 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, जैसे 5 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं, कि हमें 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को एक रो पे अरेंज करना है, कितने इसके तरीके होंगे। ध्यान दीजिए हमने कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दी हुई है, 5 बॉयज 5 गर्ल्स सभी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल आपके पास 10 स्टूडेंट्स हो गए, तो सीधी सी प्रॉब्लम आपकी ये बनी कि 10 स्टूडेंट्स को एक रो में आपको अरेंज करना है, और उसका आपको तरीका बताया था फैक्टोरियल n सीधे। फैक्टोरियल n का मतलब आप इसको ये भी देखना है कि 10 को आपने अरेंज करना है, जितने स्टूडेंट सभी को आपने अरेंज करना है। इन जनरल भी आप देखेंगे फैक्टोरियल जो आपका n था वो भी कैसे निकल रहा है, देखिए पहले प्लेस पे आप कितने कर सकते हैं 10, दूसरे प्लेस पे 9 8 7 6 5, सारा मल्टीप्लाई होते जाएगा, किसके बराबर आएगा फैक्टोरियल 10 को। इन डायरेक्ट आप इसको सीधे याद करें, जब कभी n, मैंने आपको बताया कि n ऑब्जेक्ट हैं और सबको एक रो में अगर आपने अरेंज करना है तो टोटल तरीके आपके पास कितने आएंगे फैक्टोरियल n। तो पहला जो मैंने आपको बताया केस, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन आपको नहीं, ये दिया है कि सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को एक रो में अरेंज करना है तो कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, दिस इज फैक्टोरियल 10। अब दूसरा हम एक केस बनाए, हम ये कहें बॉयज एक साथ बैठने चाहिए और गर्ल्स एक साथ बैठने चाहिए, एक कंडीशन हमने इम्पोज कर दी कि इनको एक रो पर अरेंज करना है। कंडीशन ये है कि बॉयज हमेशा एक साथ बैठे हैं और गर्ल्स हमेशा एक साथ बैठे हैं, अब ऐसा कैसे इसको करेंगे। देखिए जब बॉयज और गर्ल्स एक साथ बैठ रही हैं, एक साथ बैठ रही है का मतलब ये हो गया कि हम बॉयज का एक ग्रुप बना देंगे और गर्ल्स का एक अलग ग्रुप, तो बेसिकली हमारे पास दो ग्रुप हो जाएंगे, एक ग्रुप हो जाएगा बॉयज का, एक ग्रुप हो जाएगा गर्ल्स का, क्योंकि एक साथ बैठ रहे हैं तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ा रिड्यूस हो गई, तो हमारे पास केवल दो ग्रुप बने। तो हमें यहाँ पर जो अरेंजमेंट देखना है वो केवल दो का देखना है, दो का अरेंजमेंट देखना है तो कितने तरीके से हो जाएगा फैक्टोरियल 2, बॉयज बी जी या जी बी, तो ये आपका ग्रुप का अरेंजमेंट है। अब लेकिन होना क्या है, इसके अंदर भी आप देखें कि कितने बॉयज हैं, 5 बॉयज हैं, गर्ल्स कितनी हैं, 5 गर्ल्स हैं, तो इनके अब जब आप अंदर देखेंगे कि इंटरनल अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, 5 बॉयज हैं वो आगे पीछे बैठ सकते हैं,
इंटरनल अरेंजमेंट जो होगा बॉयज और गर्ल्स का वो भी हमें चेक करना है, क्योंकि ये तो आपका केवल ग्रुप का अरेंजमेंट है। तो चाहे वो ग्रुप बीजी लिखा हो या जी भी लिखा हो, हर एक इस तरीके के लिए हम बॉयज को कितने तरीके से इंटरनली अरेंज कर सकते हैं और गर्ल्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर हर एक के लिए बराबर जितने भी फैक्टोरियल टू यानी कि टू जो वेज आ रहे हैं हर एक के लिए नेक्स्ट स्टेप बराबर तरीके मिल रहे हैं, इसलिए आप प्रोडक्ट टू को अप्लाई कर रहे हैं। बॉयज को इंटरनली हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फाइव बॉयज हैं फैक्टोरियल फाइव, ऐसी गर्ल्स कितनी हैं फैक्टोरियल फाइव, तो ये आपने कहा फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल फाइव इंटू फैक्टोरियल फाइव, ये आपके तरीके हो जाएंगे। जब हमने कंडीशन ये बताई आपको कि बॉयज और बॉयज एक साथ बैठे और गर्ल्स एक साथ बैठे, तो ये आपके तरीके हो गए फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल फाइव। ध्यान, जब भी हम जब कंडीशन इम्प्रूव कर रहे हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो आपको रीजनिंग अप्लाई करनी है। इसी पे एक और कंडीशन इम्पोज करो, मैंने कहा कि फर्स्ट और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन 10 पोजिशन पे पहली और लास्ट की पोजिशन पे कोई दो पर्टिकुलर स्टूडेंट या कोई दो पर्टिकुलर स्टूडेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं इसमें से कि दो पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट हैं वो इन दो सीट्स पे बैठेंगे। सपोज मैंने कह दिया एक स्टूडेंट था S1 एक था S2, S1 कोई भी हो सकता है, वो गर्ल भी हो सकती है बॉय भी हो सकता है, हमने आइडेंटिफाई किए हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली स्टूडेंट, हमने कहा दो पर्टिकुलर स्टूडेंट कहते हैं मॉनिटर है, सपोज क्लास के आगे बैठ गए और पीछे बैठ गए, बाकी कहाँ बैठे ये मुझे नहीं पता, हमें क्यों देखना ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे कि ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे कि आप ये दो स्टूडेंट हमेशा कॉर्नर की सीट पे बैठे बाकी स्टूडेंट इन बीच में कहीं भी बैठे, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे अब ये हमें बताना है। ध्यान दीजिए इसके लिए क्या होना है, क्योंकि ये दो पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑलरेडी आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो हमें क्या देखना है कि ये कहा कि कॉर्नर की सीट कहा है, ये नहीं कहा कि एस वन और एस टू दो स्टूडेंट बैठेंगे इनके भी परमिटेशन हम देखेंगे, ये दो किस तरीके से कॉर्नर की सीट पर बैठ सकते हैं, इनकी सीट हमने फिक्स नहीं की है कि ऐसा नहीं बैठेगा, केवल ये कहा कि दो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स कॉर्नर की सीट पे होने चाहिए। अब कॉर्नर की सीट होनी चाहिए का मतलब है कि एस वन एक बार यहाँ हो सकता है एस टू यहाँ हो, या ठीक इसका उल्टा हो जाए, तो एस वन एस टू यानी कि जो दो हैं इन दोनों का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, फैक्टोरियल टू तरीके से, यानी एक बार एस वन यहाँ बैठा एस टू यहाँ, एक बार एस टू यहाँ और एस वन वहाँ, तो फैक्टोरियल टू, बाकी आपके बस गए आठ। इन आठ के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं दी हुई है, जब कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं दी हुई है तो इसका मतलब सीधा सा आठ के आठ जो बस गए उनको आपको रो पे अरेंज करना है, तो ये कितने तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल एट तरीके हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा टू इंटू फैक्टोरियल एट। ये आपको ध्यान दे रहा है कैसे आप शो कर रहे हैं, दो आपने कहा था पर्टिकुलर स्टूडेंट, दो पर्टिकुलर पे आपके ये फैक्टोरियल टू इनटू फैक्टोरियल एट। इसी में अब आप अगर दो पर्टिकुलर नहीं कहे, दो पर्टिकुलर न कहने के बजाय अगर ये कहते हैं कोई भी दो बॉयज एक्सट्रीम पोजीशन पे बैठने चाहिए, कोई दो बॉयज एक्सट्रीम पोजीशन पे बैठने चाहिए, कोई बॉयज यानी पांच आपके पास बॉयज हैं उनमें से कोई भी दो बॉयज, ये कहा कि प्रॉब्लम आपकी सिंपल ये है कितने तरीके से आप इन स्टूडेंट्स को एक रो पे अरेंज कर सकते हैं यदि एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉयज बैठे। अब यहाँ पर एक्सट्रीम जो आपकी पोजिशन आ गई, यहाँ पर दो पोजिशन पे बॉयज आने हैं, बॉयज का मतलब क्या समझ लेंगे, दो यहाँ पर आने, बीच का आपको कोई रिस्ट्रिक्शन आपके लिए नहीं है, रिस्ट्रिक्शन केवल आपकी जो है इसके लिए और इसके लिए, यहाँ पर दो बॉयज, अब दो बॉय भी कोई भी हो सकते हैं, तो हमें क्या करना है कि
फाइव हमारे पास बॉयज थे, पहले इन फाइव में से आप केवल दो का अरेंजमेंट देखेंगे, वो किससे आपको मिलेगा, 5p2। तो ये फाइव में से कोई दो का अरेंजमेंट ये आपको मिल गया, फाइव में से कोई भी दो हो सकते हैं 5p2। बाकी जो आपके एट पोजीशन बच गई, क्योंकि दो का आपने देख लिया 5p2, बाकी जो एट फिर से 5p2, तो यहां पर टू नहीं आएगा, 5p2 इंटू फैक्टोरियल 8। ये समझना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉब्लम किस तरीके से दी है और उसका सॉल्यूशन हम कैसे कर रहे हैं। हर एक प्रॉब्लम पे आपको थोड़ा रीजनिंग अप्लाई करनी है, समझना है कि कैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले, चाहे परमुटेशन करें या कॉम्बिनेशन करें, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम परमुटेशन की बन सकती हैं। मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया, कई आप खुद बना सकते हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम ऐसे दी होंगी, थोड़ा रीजनिंग अप्लाई करेंगे और देखिए कहाँ पर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है और कहाँ पर नहीं करना है, कैसे मैं जनरली भी सॉल्व कर सकता हूँ, वो आपको चेक करना है। परमुटेशन पे देखिए, एक जब आपके पास n ऑब्जेक्ट दिए हों और उनमें से n1 सेम टाइप के हों, n2 सेम टाइप के हों, ऐसी कुछ सेम टाइप के ऑब्जेक्ट हों, तो कैसे आप टोटल अरेंजमेंट दिख रहे हैं ये कैसे दिया जाएगा, फैक्टोरियल n बाई n1 n2 फैक्टोरियल ऐसे ही चलता जाएगा आपका। सपोज आपने कहा nr सेम टाइप के हैं, nr फैक्टोरियल, n जो आपके दिए ऑब्जेक्ट उनमें से n1 एक तरीके के हैं, n2 एक तरीके के हैं और nr एक तरीके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कह दिया इस वर्ड redr, रडार से कितने डिफरेंट वर्ड्स आप बना सकते हैं इन लेटर का यूज करते हुए, जबकि क्या करना है, मीनिंग उनका हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, कितने वर्ड्स हैं बनाने ध्यान देखना है। तो इसमें a कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 times, r कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 times, d कितनी बार रिपीट हो रहा है, 8 times। यहां देखिए आउट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 में से n टोटल था 5, ये दो प्रकार के हैं, ये दो प्रकार के हैं, एक एक प्रकार का है, कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, ये आपको देखना है। इस तरह की प्रॉब्लम जो ना कैसे आप कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम में भी थोड़ा बहुत कुछ चेंज किया जा सकता है, जिसके लिए आपको फिर से रीजनिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब है कि आप सिलेक्शन कर रहे हैं। परमुटेशन की बात करें तो अरेंजमेंट की बात करें, कितने तरीके से अरेंज करना है। अब यहाँ पर हम अरेंजमेंट नहीं देखना, हमें देखना सिलेक्शन हम कितना कर सकते हैं, चाहे कैसा ही उनका अरेंजमेंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि ए बी एंड बी ए, ये दो परमुटेशन है अलग अलग, क्योंकि इसमें एक बार ए आ गए एक बार बी आ गए, दो परमुटेशन है लेकिन दोनों के दोनों एक ही कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, इसको आपको ध्यान देना है। तो ये कॉम्बिनेशन पे हम अरेंजमेंट का ध्यान नहीं दे रहे कि कौन आ गया कौन पीछे, हम केवल हमें ये कह रहे हैं कि हमें दो को सिलेक्ट करना है, दो का मतलब उनका ऑर्डर कुछ भी आगे पीछे, क्योंकि हम अरेंजमेंट नहीं देख रहे, दोनों के दोनों एक ही कॉम्बिनेशन को डिनोट कर रहे हैं। इसके लिए आप अगर फॉर्मूला देखें, आपके पास n यदि ऑब्जेक्ट्स हो और n से आप r का कॉम्बिनेशन देखना चाह रहे हो, r कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं, कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा, फैक्टोरियल n n माइनस r, आउट ऑफ n कितने का अरेंजमेंट देख रहे हैं, r का देख रहे हैं, तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। इसमें भी जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम्स एक तो सिंपल आप प्रॉब्लम एक फॉर्मूले से, और कई बार आपको फिर से रीजनिंग अप्लाई करने की आवश्यकता पड़ेगी कि प्रॉब्लम में क्या पूछा है और कैसे आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल से आप अगर मान लीजिए कहें कि प्रॉब्लम है आपकी जो है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, सिंपल से आपने कहा कि मान लीजिए मेरे पास
फोर गर्ल्स हैं एंड थ्री बॉयज, ये हमें दिए हुए हैं। कोई हमारे पास ग्रुप है, अब मुझे कमेटी बनानी है। कमेटी कितनी बनानी है मुझे, सपोज फॉर एग्जांपल कमेटी बनानी है फोर स्टूडेंट की कमेटी मुझे बनानी है। तो अब सीधे से प्रॉब्लम अगर ये कहूँ कि मुझे इस ग्रुप में से फोर स्टूडेंट की कमेटी बनानी है, तो मैं कितने तरीके से बना सकता हूँ? तो यहाँ पर देख, कोई भी कंडीशन आपको नहीं दी, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके पास? सेवन। पहला मैंने जब आपको प्रॉब्लम बताया कि केवल आपको ये दिया है कि सेवन स्टूडेंट में से चार स्टूडेंट की कमेटी बनानी है, तो टोटल स्टूडेंट कितने आपके पास? सेवन। सी कितने की आपको कमेटी बनानी है? फोर की। तो सेवन सी फोर, कोई कंडीशन आपको नहीं दी। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि आपको चार स्टूडेंट की कमेटी बनानी है, लेकिन उस कमेटी में सेकेंड प्रॉब्लम आपका फर्स्ट ये था, चार स्टूडेंट कमेटी में दो बॉयज होने चाहिए, चार स्टूडेंट कमेटी में दो बॉयज होने चाहिए। दो बॉयज का मतलब बाकी दो क्या होने चाहिए? गर्ल्स होने चाहिए। तो दो बॉयज होने चाहिए का मतलब आप क्या करना है कि मुझे बॉयज कितने हैं हमारे पास? थ्री हैं। तो थ्री में से मुझे कितने बॉयज को सेलेक्ट करना है, उनका कॉम्बिनेशन देखना है टू का, फिर से आप मल्टीप्लाई करने के लिए हर एक के लिए बराबर नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पर आएंगे। और फोर में से भी आपको कितना चूज करना है? टू को चूज करना है, थ्री सी टू एंड फोर सी टू। यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं बार बार, हम कई बार कन्फ्यूजन होता है कि जब ये परमुटेशन की प्रॉब्लम है या कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है। सीधा तरीका, जब भी आप अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तब आप परमुटेशन की बात कर रहे हैं, सेलेक्शन की बात कर रहे हैं तो आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। दूसरा केस मैंने आपको बताया कि कमेटी पे दो बॉयज होने चाहिए, दो बॉयज का मतलब बाकी दो गर्ल्स हैं, तो थ्री सी टू इंटू फोर सी टू। फिर एक बार तीसरा केस बताता हूँ। अब मैं ये कह दूँ एटलीस्ट टू बॉयज, एटलीस्ट दो बॉयज होने चाहिए कमेटी में। अब एटलीस्ट का मतलब यह है कि दो, एटलीस्ट का दो का मतलब कम से कम दो, कम से कम दो कितने हैं? मैक्सिमम दो हैं, दो भी हो सकते हैं और थ्री भी हो सकते हैं, कि दो केस आपके पास बन रहे हैं। तो इसमें जब आप दो केस आपके बनेंगे, दो केसों को आप अलग, यहाँ पर फिर से आप दो का कॉम्बिनेशन होगा, एक आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे और सब रूल यूज करेंगे, तो दो अलग अलग केसेस बन रहे हैं आपके पास। अगर एटलीस्ट टू बॉयज, तो पहला वाला आप केस लेंगे टू बॉयज वाला, दूसरा केस आप लेंगे थ्री बॉयज वाला। टू बॉयज देखिए एटलीस्ट का होगा कम से कम, अधिक से अधिक हमारे पास तीन बॉयज है, तो एटलीस्ट टू बॉयज का मतलब टू बॉयज थ्री बॉयज, और दो अलग अलग हैं क्योंकि ये तो क्या होगा, इनके पीछे प्लस आएगा क्योंकि सम रूल जो आपको मैंने आपको बताया, दो अलग अलग आपके पास केसेस बन रहे हैं। तो टू बॉयज का केसेस आपने निकाला है थ्री सी टू इंटू फोर सी टू प्लस थ्री बॉयज, थ्री का मतलब थ्री बॉयज थ्री सी थ्री थ्री सी थ्री मल्टीप्लाई बाई, अब थ्री बॉयज जब आप कर रहे हैं कमेटी कितनी है? चार की स्टूडेंट की है, चार स्टूडेंट की कमेटी है, उनमें थ्री बॉयज हो गए तो गर्ल कितनी बची? एक, यानी कि चार में से आप एक गर्ल को ले रहे हैं, तो ये इसका आंसर, इसको आप सॉल्व करें इसका आंसर मिलेगा। कब ये क्या केस था कि जब चार स्टूडेंट की आप कमेटी बना रहे हैं उसमें एटलीस्ट टू बॉयज होने चाहिए। इसी पे एक और केस थे, अगर देखें एटमोस्ट टू बॉयज, एटमोस्ट टू बॉयज, जब एटमोस्ट आप कहते हैं एटमोस्ट का मतलब अधिक से अधिक दो, एटमोस्ट अधिक से अधिक दो का मतलब जीरो भी हो सकते हैं वन भी हो सकते हैं। क्या क्या केस बने आपके, क्या केस बन गए? जीरो बॉय, जीरो वन, एटमोस्ट टू, अधिक से अधिक दो, यानी कि जीरो वन, तीन अलग अलग केस बने हैं। वो तीन बोले जाए जीरो बॉय का मतलब चार के चार क्या होने चाहिए? गर्ल होनी चाहिए। तो आपको चार के चार गर्ल का मतलब जब आप कह रहे हैं थ्री सी जीरो फोर सी फोर, गर्ल्स आपके चार हैं, चार के चार गर्ल्स होंगी। वन बॉय
थ्री में से आपने एक बॉय को चूज कर लिया, थ्री सी वन, और वन बॉय का मतलब गर्ल कितनी होगी आपकी, थ्री गर्ल्स होगी, थ्री गर्ल्स होगी, गर्ल्स कितनी है फोर है, फोर सी थ्री। और टू बॉयज की जब आप बात कर रहे हैं तो टू बॉयज का मतलब थ्री सी टू, और टू बॉयज गर्ल्स भी टू होगी तो फोर सी टू। ये अलग अलग केसेस आपके बन रहे, देखिए मैं सारा प्लस किया, दिस प्लस ये क्या बेसिकली सम रूल आप रहे, सारे के सारे अलग अलग केसेस थे। जब भी आप प्रॉब्लम देखें उस प्रॉब्लम का नेचर आप समझेंगे कि प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, कैसे आप उसको प्रॉब्लम को अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं और हर एक पार्ट का आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं और तब आप एक कंबाइंड सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम और बन सकती हैं, इसी तरह के कई और दे सकते हैं। ये बेसिक मैंने आपको बता दिया, इसके आधार पर आप कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मेन जो इसमें आपको फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि कैसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम जो अधिकतर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन डिफरेंस कहाँ पर है। परम्यूटेशन का मतलब जब आप अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, आगे कौन है पीछे कौन है, तो आप अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। जब आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि आगे और पीछे कौन है, तो आप कॉम्बिनेशन की। ये मैंने आपको काउंटिंग टेक्टिक्स के कुछ बेसिक्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में बताया। इस बारे में आपको कोई अगर क्वेरी हो, तो कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपका सजेशन फीडबैक जो भी हो, आप मुझे इस मेल एड्रेस पे बता सकते हैं। ticrk@gmail.com